गाइस रात को इसलिए ब्लॉग नहीं बना पाया जब होटल पहुंचा क्योंकि तबीयत इतनी डाउन थी एंड गाड़ी ने इतना ज़्यादा परेशान कर दिया। मतलब इसका क्लच प्लेट चली गई ना, बिल्कुल ही चली गई है। एंड इसको 20-30-40 की स्पीड पर लेके आ रहा हूँ आपसे। और यहाँ पे जयपुर आके दिखाया तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोल दिया कि हमारे पास अभी इसके पार्ट्स नहीं है, तो वो पार्ट्स आएंगे कल आएंगे या परसों आए। एंड सो फिर मैंने गुड़गांव फ़ोन किया MJF में, तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप गाड़ी लेके आ जाओ, अगर गाड़ी आ सकती है तो इसको धीमे धीमे कर ले जा रहा हूँ। ऊपर से मेरी तबीयत ख़राब हो गई, मेरे को फीवर हो गया है, तो मैं तो रात को आके सो गया था। सुबह 5:30 बजे होटल पहुँचे थे, मैं तो सो गया, तब से उठा नहा धो के अब निकला हूँ। अभी टाइम हो रहा है 3:30 और अभी निकल चुके हैं गुड़गांव के लिए, और राहुल साथ में जा रहे हैं क्योंकि भाई गाड़ी चलाएंगे, क्योंकि अकेले मेरे से तो फीवर हो रखा है, अदरवाइज़ मेरी तो हालत है नहीं गाड़ी चलाने की। 4 दिन हो गए नहीं तो सो रहा हूँ अच्छे से, खाना भी अच्छा नहीं मिल रहा था। ठीक है यार सब कुछ, ट्रिप पे आ रहे तो ऐसा सब कुछ होता है, बट ये नुकसान मेरा ज़्यादा हो गया, आई थिंक बहुत ही ज़्यादा हो गया। सो गाइस इतना बुरा हो गया यार, मतलब अटक गया बीच में आके, और अब इस टाइम क्लच प्लेट बिल्कुल ही जा चुकी है और गाड़ी इतनी सी भी नहीं मिल सक रही है। अब गियर फर्स्ट गियर लगा रहा हूँ तो भी गाड़ी को ऐसा लग रहा है न्यूट्रल में खड़ी है, कोई सा भी गियर लगा रहा हूँ तो नहीं है। और हम आ गए जयपुर से 125 किलोमीटर। देन अभी मैंने करा है टोयोटा वालों को कॉल, उन्होंने बोला है कि 1 घंटे में हम आपको सर्विस देंगे एंड आपको गाड़ी पिक करेंगे अगर गाड़ी में वहीं की प्रॉब्लम है। तो सो मैंने उनको बोल दिया है कि मेरी क्लच प्लेट जा चुकी है, तो उन्होंने बोला है हम टो करके गाड़ी को गुड़गांव छोड़ेंगे ना आपको, हम अपनी टैक्सी भेज रहे हैं, पर्सनल कार भेज रहे हैं, आपको गाड़ी लेके आप घर चले जाना। देखते हैं 1 घंटे वेट करना पड़ेगा एंड आपको दिखाता हूँ क्या प्रॉब्लम आ रखी है। एक सेकेंड एंड क्लच भेजा, स्टार्ट करी, न्यूट्रल है गाड़ी, देन फर्स्ट गियर, साइज फर्स्ट गियर नहीं लग रहा, गियर ही नहीं लग रहा, गियर नहीं पकड़ रही गाड़ी, गियर देखो। और अगर एक चीज करके देखो, उन्होंने स्टार्ट करी गाड़ी और अभी टोइंग वाले आ चुके हैं, अब देखते हैं क्या निकलता है यार। वो चेक कर रहा है गाड़ी को कि शायद कुछ हो जाए एंड शायद हो सके इसमें टो करके लेके जाएंगे। और चाय भी आ गई है यार, राहुल भाई थैंक यू, बंदे को साथ बैठा के लेके आया है, कभी गियर नहीं पकड़ रही गाड़ी। तो फाइनली क्रेन आ चुकी है और अभी भाई ये कर रहे हैं सेट अपना जो से भी है, और भाई साहब लगा लो 4-5 घंटे हमारे खराब हो गए यहीं खड़े खड़े। अब इस पे बैठ के जाना है अंदर, हम राहुल कैसा लग रहा है भाई? बहुत बढ़िया लग रहा है, मजा आ गया ना? मजा तो अब आएगा, अब ऐसा है गाड़ी ड्राइव नहीं करनी, बैठ ही जाना पार्क में। भाई गेट डालने का गेट डालते तो पहले ही नहीं चले जाते भाई हम। अब इसके अंदर बैठ के जाना है, वैसे अब घर पहुंच जाए यार, इतनी हालत नहीं है कि कुछ इससे ज़्यादा सहन कर पाए, हम परेशान हो चुके हैं, इससे ज़्यादा क्या परेशानी हो गया। अभी हम गाड़ी की स्पीड चल रही है 180 की स्पीड चल रही है और बिना कुछ स्टीयरिंग के हाथ लगाए ना कुछ, मजा आ रहा है। मतलब ये इतने 900 किलोमीटर सबसे अब मजा आ रहा है। एक काम करेंगे अगली बार से इसको साथ लेके चलेंगे, ऊपर खड़ी कर दी भाई चल लेके चल, जहां हमको जरूरत पड़ेगी गाड़ी वहां उतार ली, और नहीं तो इसको ऊपर लोड करी भाई चला भाई तू। अब इसको कल सुबह देखते हैं इसमें क्या होगा, क्या खर्चा आ रहा है क्या नहीं। ऑलमोस्ट अभी तो सब कुछ परेशान हो गए, खाना वाना खा के अब सोएंगे गाड़ी में आराम से। इसको बोल दिया भाई पहुंच के मेरे को बता दियो, खत्म, गुड नाइट तब तक के लिए राहुल, गुड नाइट ब्रो, गुड नाइट। हाँ भाई भाई साहब बहुत गंदी हालत हो रही है, 4 घंटे बैठे रोड रहे, अगली सीट पे गलत लोगों को बैठाएगा तो गंदी हालत होगी। राहुल तेरे लिए बोल रहा देख ले ना भाई, मैंने कुछ नहीं किया, राहुल ने विकी कुकी है भाई, ये तो होना ही था अगर मुझे नहीं लेके गया था ना, तो ये पहुंच गया आखिरकार हम टोटल, थैंक यू सो मच भाई तू लेने आ गया। हाँ तेरे को लेके सारे कितनी बार बोला था तेरे, तब चल चल चल, पर ना उस टाइम तो भारी था। नहीं नहीं भाई मुझे नहीं लेके गया ना इसलिए हुआ है। हाँ तो लेके गया नहीं तो अनहोनी तो होनी थी। बिल्कुल बिल्कुल।